हुसैन वालों को झुककर सलाम करते हैं, महो नजूम बसत एहतराम करते हैं, हुसैन वालों को झुककर सलाम करते हैं। वही तो कर्बोबला की जमीन है काशिफ, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। वही तो कर्बोबला की जमीन है काशिफ, जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। भाई शकील रबर ने पहले दौर में, हाँ हाँ चचा, बस बस उन्हीं का भी वक्त है, अभी उन्हीं का वक्त है। हाँ 22 नवंबर के बाद भी चचा पता चल जाएगा उनको, उस वक्त दुआ करेंगे उनके हक में। आप नौमान मिल्लत अल्लामा नौमान अख्तर साहब किबला फायकुल जमाली, उस्ताद खतीब, उस्ताद शायर, उस्ताद अदीब बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है, सलाम पढ़ा जाए? नहीं सलाम नहीं पढ़ा जाए, तो एक बार अपने नबी पे सलाम भेजें और अपने आका को दिल से पुकारें, बोल दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक शेर अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली की मौजूदगी है, भाई शकील रबर साहब की बला चैनपुरी ने बड़े बड़े शेर पढ़े। रंगे शहर में जब शबे हिजरत बदल गई, आज हम अहद कर लिए हैं अच्छा ही शेर पढ़ेंगे, आप दाद दें या ना दें। शकील भाई आप बता देंगे कि अब्दुल रऊफ ने नौमान भाई को कि आज हफाजी नहीं किया अब्दुल रऊफ बाबू ने। रंगे शहर में जब शबे हिजरत बदल गई, इश्के नबी से मर्जी कुदरत बदल गई। रंगे शहर में जब शबे हिजरत बदल गई, इश्के नबी से मर्जी कुदरत बदल गई। और किस आईने में कर लिया सिंगार हूं बता, किस आईने में कर लिया सिंगार हूं बता, एक रात में खताओं की सूरत बदल गई। किस आईने में कर लिया सिंगार हूं बता, एक रात में खताओं की सूरत बदल गई। और आने वाले शेर पे आप बताएं कि जमीन पे बैठने के लायक है आप या दिल पे। एक रात में खताओं की सूरत बदल गई, इश्के नबी से मर्जी कुदरत बदल गई। और किसके लिए रसूल का सजदा ठहर गया, किसके लिए रसूल का सजदा ठहर गया, जिब्रील आज कैसे शरीयत बदल गई। किसके लिए रसूल का सजदा ठहर गया, जिब्रील आज कैसे शरीयत बदल गई। और झूले में बेजबान का उकता गया था दिल, मक्तल में आ गया तो तबीयत बदल गई। झूले में बेजबान का उठता गया था दिल, मक्तल में आ गया तो तबीयत बदल गई। और अख्तर खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, शहरे नबी को देख के नीयत बदल गई। अख्तर खुदा को मांगने जन्नत गया था मैं, शहरे नबी को देख के नीयत बदल गई। हजरत आइए उस खतीब को आवाज दिया जाए, जो इश्क पे बोल दे तो आला हजरत की याद आ जाए, तकवा पे बोल दे तो मुफ्ती आजम हिंद की याद आ जाए, शहादत पे बोल दे तो इमाम हुसैन की याद आ जाए, अदब पे बोल दे तो माहनामे जामे नूर की याद आ जाए, अगर किसी पे तनकीद कर दे तो अल्लामा फारूक जामी के ख्यालात भी इनके आस्ताने पे चादरें चढ़ाता हुआ नजर आए, अगर शायरी पे बोल दे तो मिर्जा गालिब के जितने मुरीद हैं उनकी बैयत तोड़कर इनसे मुरीद हो जाए, दौरे हाजरा पे बोल दे तो महीनों तक अखबार बीनी की जरूरत न पड़े। वो खतीब जो तलवार को कलम और कलम को तलवार बनाने का फन जानता है, वो खतीब उल हिंद उस्ताद खतीब हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब किबला फायकुल जमाली मुहतमीम फैजुल बारी नवादा बिहार। बड़े भाई की आमद आमद हो रही है, एक हाथ अपने माँ के नाम पर बुलंद करें और एक हाथ अपने बाप के नाम पर बुलंद करें, और इस मकसद से हाथों को उठाकर नारा लगा लें कि जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा है इस मकसद से हाथों को उठाकर नारा लगाए कि अल्लाह उनकी उम्रों में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। अब यहां से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं, तुझे हर रोज पढ़ना चाहता।
अगर तू सुबह का अखबार हो जा, कई दिन से मकान खाली पड़े हैं, इन आंखों का किरायादार हो जा।